साल की तरह इस साल भी मेमन समाज ने वर्ल्ड मेमन डे बड़े ही शानदार तरीके से मनाया। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों की सेवा के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जोगेश्वरी में भी अंधेरी सबर्बन हलाई मेमन जमात ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर करीब 800 बच्चे जिन्होंने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस एजुकेशन के क्षेत्र में किया था उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन, मुंबई हलचल के संपादक दिलशाद खान, एनसीपी नेता सलीम मापकान, नारी सम्मान संगठन की अध्यक्षा सुंदरी ठाकुर, कांग्रेस नेता अशोक जाधव, मोहसिन हैदर, सांसद गजानन कीर्तिकर सहित कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। हमें यहाँ आने के बाद बड़ी खुशी हुई और 50 साल पूरे हुए और जाहिर सी बात है इस कौम ने बहुत कुछ दिया है मुंबई में एजुकेशन के सिलसिले में। खास तौर पर कई इदारे जो मुंबई में आप देख रहे हो वो इसी कौम की देन है और ये एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके ज़रिए, और ख़ास करके बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिनको आज इनामात से नवाजा जा रहा है। ये तो मेरा सौभाग्य है जूनी जी की वजह से मैं यहाँ आ गई और देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कम्युनिटी वाइज और एक मेजोरिटी बहुत फैंटास्टिक है और जो यहाँ कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 850 बच्चे को, इस तरह काम ये सच में तारीफ़ काबिल है। और जो ये जमात कर रही हैं सभी के लिए, महिला से लेके बच्चों के लिए, बहुत अच्छा है। तो और मुझे यहाँ बुलाया और ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जो कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी। सो थैंक यू जुनेद भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं सबसे पहला यहाँ पर हरुण भाई को और उनके सभी साथियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने आज मेमन डे के अवसर पे आज इतना माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। और खास करके देखा गया है कि यहाँ पर हमारी बहनें काफ़ी तादाद के अंदर आई हुई है और ये हमारी बहनें जब सोशल के अंदर जब आती है तो हमारी जड़ें जब मजबूत होती है तो मुतलब फल झाड़ मजबूत होकर अच्छे फल निकलेंगे। और खास करके जो पढ़ाई के मामले में जो हारून भाई और उनके सभी साथियाँ जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो बच्चों को बुक दे रहे हैं और जो बच्चे अच्छे मार्क्स से पास होते हैं तो उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना और ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, दुआएं देता हूँ। और इंशाल्लाह ये 50वां साल है, ऐसे ही ये आने वाले और 50 साल और जिंदगी भर करते रहे, मैं इनके बच्चे करते रहे और सारे करते रहे, यही बोल रहा हूँ। मेमन जमात के पूछे होने पे मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो अपना पुराने गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए जो कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई सुन के और मैं भी इनके लिए खड़ा रहूँगा। मेमन जमात के लिए जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके लिए हाजिर रहूँगा और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हारून भाई को, जुनेद भाई को बहुत बहुत मेमन जमात की तरफ से 50 साल होने पे बहुत खुशी हुई और बहुत बहुत बधाई। ये मेरिट के ऊपर प्राइज़ दिया जा रहा है, 850 बच्चों को यहाँ अंधेरी जमात में आज दिया जा रहा है और हर साल ये देते हैं, मगर आज मेमन डे के मौके पर आज बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि यहाँ स्टेज पे भी जगह नहीं थी बैठने की। तमाम लीडर आए थे मेमन डे के हिसाब से, यहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, लोग खड़े थे। तो मेमन डे के हिसाब से बहुत ज़्यादा आज लोगों के अंदर उत्साह है, अवेयरनेस है, जो बहुत सारे लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आया हूँ हमारे अंधेरी सबर्बन हलाई मेमन जमात के सदर हारून भाई चूनावाला हैं, जिनकी 50 साल की जमात का आज सालगिरह है और वो साथों साथ मेमन डे भी उन्होंने मनाया है। इनको भी बुलाना है ऊपर। पूरी दुनिया में आज मेमन डे मनाया जा रहा है, खैर के काम हो रहे हैं, जापान से शुरुआत हुई है अमेरिका तक, आज पूरे मेमन बरादरी एक प्लेटफॉर्म पे आज खड़ी है। मिठाई वाला करोड़ों करोड़ों रुपये का नेकी का काम, खैर का काम, कोई भेदभाव के बगैर आज अंजाम हुआ है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा सालों में ये बहुत बड़े इंशाल्लाह काम होंगे। इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि मेमन डे के दिन कॉलेजों की बुनियाद रखी जाए, हॉस्पिटलों की बुनियाद रखी जाए, मुसाफिर खानों की बुनियाद रखी जाए, इतना इंशाल्लाह ये मेमन डे जो है वो बढ़ेगा। आज की तारीख में मुझे लगता है कि शायद 10,000 लोगों ने आज खाना खाया होगा, 10,000 फ्रूट के पैकेट जो हैं पूरी दुनिया में हॉस्पिटलों में, अनाथ आश्रम में और मुसाफिर खानों में बटे होंगे, स्कूलों के अंदर कॉपियां किताबें बटी होंगी,
सबसे बड़ा काम जो पूरे हिंदुस्तान में 500 जमातों ने तो आज किया है, सातों साथ जापान के अंदर भी आज बहुत काम हुआ है, श्रीलंका में भी हमारे एक दोस्त हैं जो पिछले साल भी काम किए थे, आज श्रीलंका में भी बहुत खैर का काम हुआ है, और इसके अलावा अमेरिका में शिकागो से लेकर के एलए से लेकर के न्यूयॉर्क में भी बड़े काम हुए हैं। आज कंटेनरों के हिसाब से सीरिया की शरणार्थियों के लिए, रिफ्यूजियों के लिए इराक टर्की के बॉर्डर से आज इमदाद बांटी, आज से शुरुआत हुई है इमदाद बांटने का। पाकिस्तान में मोतिये का ऑपरेशन, लेजर ऑपरेशन 3 दिन तक चलेगा। पाकिस्तान में हमारी एक जेतपुर एसोसिएशन है, उन्होंने आज 100 मोटरसाइकिल बच्चों को देने का ऐलान किया है और वहाँ सब प्रोग्राम सब चल रहे हैं। इसी तरह ईरान में सऊदी अरब के अंदर आज बहुत बड़ा प्रोग्राम, अभी रात को सेमिनार उनका है, बहुत बड़ा प्रोग्राम वहाँ पर हुआ है। इस तरह खैर का काम है, और हमने इत्तेहाद का और इत्तफाक का और भाईचारे का पैगाम आज मेमन डे में दिया है, और हर साल इंशाल्लाह मेमन के घर घर में ये मेमन डे मनाया जाएगा, हर बच्चा मेमन डे मनाएगा, और ये मकसद होगा, खैर का मकसद होगा और किसी की भलाई करना, आंसू लूछना किसी का, ये काम होगा। और मैं एक बात आखिरी में जाते जाते कह दूं कि उमर अच्छा काम करने के लिए बरसों की उम्र की जरूरत नहीं है, एक काम ऐसा कर जाओ कि आप बरसों तक जिंदा रहोगे इंशाल्लाह। तो यही खैर के काम हो रहे हैं। ये जो आज हलाई मेमन समाज जो है मुंबई में और हिंदुस्तान में प्रदेश में भारी संख्या में बिजनेस करते और समाज सेवा करते, जनता के हाल अपेष्टा उसको हल करने का बहुत अच्छी तरीके से प्रयास करते, तो मेरी जिम्मेदारी आज उनका फाउंडेशन डे और उनको प्रोत्साहन देना, शाबाशी देना, और समाज का मैं एक प्रतिनिधि हूँ, इसलिए आभार प्रदर्शन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब बोलूँ तो बातों में असर भी